हाय एवरीवन, फिर से एक नीव टेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी नॉलेजबल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, सर क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे रिसीव कर वीडियो पाना चाहते हैं वीडियो को नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता है, उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर का ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे आ जाए, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट के पास आता होगा एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पहला वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करना है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। उसके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा पहला कॉलम आपको फिलअप करना है, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा कॉलम में फिलअप करना है, उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा नजर आता होगा साइन इन, तो आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप विंडो में एक अलर्ट आ जाता है, जल्दी से इस अलर्ट को आप यहां से क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे देखिए आपके पास दो ऑप्शन नजर आता है, एक प्रोसीड एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे उस लेटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पे नजर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करेंगे। ठीक है, उससे पहले उसमें मैं आपको बता देता हूँ आपके पीएफ अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो किस प्रकार से चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए नीचे देखिए यहाँ पे लिखा नजर आता है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, तो आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद सबसे लास्ट में ही देखिए यहाँ पे आपके पास मोबाइल नंबर का एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, तो यहाँ पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट पहले से ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दिख जा रहा है, यहाँ से आपका चेंज नहीं होगा, तो चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए सबसे ऊपर में ही देखिए यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा मैनेज का, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। जैसे उसको मैनेज पर क्लिक करते हैं उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा होता है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे उसको कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ जरा होगा चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहीं से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मोबाइल नंबर किस प्रकार से चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए नीचे देखिए यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन बना हुआ आता होगा चेंज मोबाइल नंबर का, तो सिंपल से आपको इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। जैसे ही टिक मारेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, तभी दोस्तों आगे का प्रोसेस कीजिएगा। पहला इंपोर्टेंट की बात कर लेता हूँ, जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ कोई एक मोबाइल नंबर लिंक था, वही मोबाइल नंबर अगर आपके पीएफ अकाउंट के साथ भी लिंक था, लेकिन कुछ दिन बाद अगर मान के चले अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवा लिए हैं, ठीक है, दूसरा मोबाइल नंबर लिंक करवा लिए हैं, तो इस कंडीशन से आपको अपने पीएफ अकाउंट में भी सेम मोबाइल नंबर आपको लिंक करना होगा, सेम मोबाइल नंबर चेंज करना होगा जो प्रेजेंट टाइम में आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजी वे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर केवल देख सकते हैं आधार लिंक मोबाइल नंबर ही यहाँ पे आपको अपडेट करना है। पहला कंडीशन, पहला इंपोर्टेंट जानकारी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मान के चलिए अगर आपके पीएफ अकाउंट के साथ ऑलरेडी पहले से एक मोबाइल नंबर लिंक था, वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, ठीक है, जो पीएफ अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक था वही मोबाइल नंबर अगर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, तो इस कंडीशन में जो भी आपके आधार कार्ड के साथ प्रेजेंट टाइम में मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको अपने पीएफ अकाउंट में करवाना होगा। ठीक है, करना होगा। यहाँ पे सिंपल सबको चेंज मोबाइल नंबर सेक्शन पर आकर के यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल करके आपको अपडेट करना होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, दोनों कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जब मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा। उसके लिए जब वेरीफाई कीजिएगा तो उसके लिए यहाँ पे ओटीपी की जरूरत होता है। ओटीपी तभी आता है जब आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर जब यहाँ पे आप लिंक करते होंगे अपने पीएफ अकाउंट में तभी यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से यहाँ पे वेरीफाई आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास वेरीफाई लिखा नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही कि आपने ओटीपी से वेरीफाई नहीं किया है, जिसके वजह से यहाँ पे आपके पास वेरीफाई लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यही कुछ इंपोर्टेंट जानकारी था, मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, चलिए अब चेंज किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल से जो भी आपके प्रेजेंट टाइम में आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है लिंक है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे सेम मोबाइल नंबर जो ऊपर फिलअप कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है।
उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा। जैसे सब ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद फाइनली आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज आउट हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे ओटीपी सब वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यही एक प्रोसेस है, मैंने आपको बता दी हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होता है तो उस ऑनलाइन तरीका से आप अपना पीएफ अकाउंट लॉग इन होकर जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप अपना पीएफ अकाउंट में कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मान के चले अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है तो इस कंडीशन से जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया इस प्रोसेस से आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है और उसके साथ मैं दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहता हूँ या उसको लिंक करवाना चाहता हूँ तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर आप जानना चाहते हैं ज्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, मैं उस पर नया एक वीडियो बना करके आपको कंप्लीट प्रोसेस और तरीका मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दियो किस प्रकार से आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होकर के फाइनली आपको मोबाइल नंबर चेंज करने से क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैंने आपको स्टूडियो बता दियो। आशा करता हूं जो भी मैंने आपको स्टूडियो के माध्यम से जानकारी दी हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।